तो फ्रेंड्स ये देखिए आलू हमने एकदम छोटा छोटा कटा हुआ लिया है छिलका के साथ एकदम प्योर देसी स्टाइल में, और यहाँ सीम काट के मम्मा पानी में धो दी है और कुकर गर्म हो गया। फ्रेंड्स ये देखिए ये बुझा गया है, मतलब बुझा रहा है, इसमें गया ये हल्दी पाउडर एकदम बढ़िया से, ये क्या है मम्मा? तो फ्रेंड्स अब इसमें जा रहा है नमक और टमाटर दोनों डलेगा साथ में, मतलब बाकी है डलना। फ्रेंड्स ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमारा आलू सीम का सब्जी हो चुका है रेडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग बहुत अच्छे हैं, सभी को नमस्कार जोहार। और ये देखिए दोस्त, मेरी नई दोस्त को, दोनों सेम सेम कैप खरीद लिए हैं और आज बनाया जा रहा है रात में मस्त, मतलब बहुत रेयर देखने को मिलता होगा ऐसा रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, आलू और सीम की सब्जी। तो हो सकता है देखे होंगे आप लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं देखे होंगे, बट हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और आपको दिखाते हैं रेसिपी एकदम सिंपल तरीके से, आलू और सीम की सब्जी। पहले भी बनाया है लेकिन याद नहीं है कब बनाया। हाँ याद नहीं है, और मतलब खाए बहुत जगह है बट हम लोग कब बनाए याद नहीं है, और एकदम दिखाते हैं मस्त रेसिपी आलू सीम की सब्जी। फ्रेंड्स ये देखिए आलू हमने एकदम छोटा छोटा कटा हुआ लिया है छिलका के साथ एकदम प्योर देसी स्टाइल में, और यहाँ सीम काट के मम्मा पानी में धो दी है और कुकर गर्म हो गया और सीम डला गया इसमें। वाह ये देखिए, और जानते हैं फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो स्टाइल है ना, इस तरह से आलू बनाने का बहुत पुराना स्टाइल है, अभी बहुत लोग बना के खाते हैं कि नहीं खाते हैं पता नहीं है, बट ऐसे खाने का अलग ही मज़ा है ठंडी के दिन में। तो ये देखिए एकदम छोटा छोटा नया वाला आलू छिलका के साथ बन रहा है, और यहाँ मम्मा जो है सीम डाल दी है कुकर में ऑल गर्म होने के बाद, ये देखिए और ये आलू भी साथ में डाला जाएगा, ये देखिए वाह, और इसके साथ गर्मा गर्म पराठा खाइए रोटी खाइए मज़ा आ जाएगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसको करते हैं थोड़ी थोड़ी देर फ्राई, जब इसमें मसाला डलाएगा तब आपको फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ये बुझा गया है, मतलब बुझा रहा है, इसमें गया ये हल्दी पाउडर एकदम बढ़िया से, ये क्या है मम्मा? धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, ये क्या है? धनिया पाउडर। अच्छा धनिया पाउडर, वेरी गुड। और ये गया हमारा लाल मिर्च पाउडर, वाह ये भुना जो भुजा रहा है ना फ्रेंड्स, इतना मस्त मतलब बढ़िया वाला सुगंध आ रहा है ना। और ये क्या क्या पिसा हुआ है मम्मा? ये लहसुन अदरक काली मिर्च लौंग और इलायची। अच्छा इलायची भी है इसमें, वाह ये देखिए फ्रेंड्स सब मसालों के साथ में फ्राई किया जा रहा है, मतलब मसाला डलते ही कलर एकदम चेंज हो गया सब्जी का, ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसमें जा रहा है नमक और टमाटर दोनों डलेगा साथ में, मतलब बाकी है डलना। तो फ्रेंड्स ये गया कटा हुआ टमाटर, और अपने स्वाद अनुसार इसमें डालिए नमक अच्छे से, इसको फ्राई कर लिया जाएगा, ये देखिए। फ्रेंड्स ये देखिए सभी मसालों के साथ आलू और सीम फ्राई हो चुका है, अब इसमें बारी आ गया डालने का गरम मसाला। तो फ्रेंड्स ये देखिए मसालों के साथ पूरा सब्जी हो चुका है बढ़िया से फ्राई, अब कुछ नहीं करना है, इसमें जाएगा पानी और लगा देना है मिक्स करके कुकर का ढक्कन। और कितना सीटी में हो जाएगा मामा? ये 2-3 सीटी में। तो ये पानी गया और हल्का सा गरम मसाला, लौंग इलायची सब डाला हुआ है। हाँ करेक्ट, सब पहले से डाला हुआ है, ये गया और लग गया कुकर का ढक्कन। तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमारा आलू सीम का सब्जी हो चुका है रेडी, और ये देखिए क्या खूबसूरत दिख रहा है, वाह एकदम
कितना आसान तरीका से हम लोगों ने बताया आलू सीम का सब्जी बनाने को, और खाने में भी उतना ही मज़ेदार लगेगा ये देखिए।